गाइस नया फोन आ चुका है, तो मैंने सोचा एक बार आपको अनबॉक्स करके दिखा दूं। फोन देख लो, आईफोन 14 प्रो डीप पर्पल 256 GB। कहीं मिल नहीं रहा है मेरे को भी, बहुत मुश्किलों से मिला है। मैं क्रोमा पे लेने गया था लास्ट वीक, बट लास्ट वीक क्रोमा वालों ने मेरे साथ एक सिचुएशन रख दी थी। उन्होंने बोला कि अगर आपको आईफोन 14 प्रो लेना है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उन्होंने ये सिचुएशन रख दी, ये सब कस्टमर के साथ वो कर रहे हैं। पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, उनको इंश्योरेंस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या सेल्स में उसको इनको इंश्योरेंस दिखाना होता है, जो भी है। तो मैं उनके पास परसों दोबारा गया था फ़ोन लेने। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं से भी अगर फ़ोन लेते हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज जहाँ भी आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे, किसी भी क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक पर जाएंगे, विजय सेल्स पर कहीं जाएंगे, मैं सब पे गया था बट किसी के पास नहीं था। क्रोमा पे लास्ट में मिल गया, बट उन्होंने ये सिचुएशन रख दी मेरे आगे कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और इंश्योरेंस भी 16,000 रुपये का इंश्योरेंस एक साल का। और वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास पहले जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो iPhone 11 है, 2-2.5 साल हो गए चल रहे, कोई मेरे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो गिरे या टूटे। फिर मैं परसों उनके पास दोबारा गया था, मैंने उन्हें परसों बोला ऐसी, मैंने उनको, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था, मैंने उनको ऐसे झूठ बोला कि मेरे को क्रोमा से के हेड ऑफिस से कॉल आया था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप फ़ोन लेने गए थे, आपने परचेज़ नहीं किया, तो आप चले जाओ, अब आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था क्रोमा के ऑफिस से, तो आपको अब देना पड़ेगा। क्रोमा ने मेरे को बोला है कि आप जाके ले सकते हो, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपको कौन बोल रहा है कि इंश्योरेंस लेना है? तो मैंने बोला आप, वो जिस नंबर से मेरे को कॉल आया था, मैं उनका आप सबका नाम बता सकता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को बोला था इंश्योरेंस फोर्स कर रहे थे आप लोग, मेरे को फ़ोन नहीं दिया आपने। फिर मैं कल गया, फिर नहीं मिला। फिर कल गया, मेरे अकाउंट से सारे पैसे डिडक्ट हो गए फ़ोन के, फिर भी नहीं मिला। फिर वो मेरा अमाउंट रिफंड आया, उनकी मशीन में कोई टेक्निकल एरर था। फिर आज फाइनली जाके फ़ोन मिल गया है, आईफोन 14 प्रो। ठीक है, अनबॉक्सिंग तो पहले मैंने वहीं कर ली थी, बच्चे थे साथ में, उन्होंने वहीं रास्ते में कर दिया, क्योंकि इसकी पार्टी डिनर हम करके आए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, थोड़ा पास ला के दिखाता हूँ। आईफोन 14 प्रो डीप पर्पल, ये रहा। अब खाली केबल आती है फ़ोन में, आप लोगों को सबको पता ही होगा खाली केबल आती है फ़ोन में और कुछ नहीं आता, और ये एक एप्पल स्टिकर आता है। अब तो शायद वो भी नहीं आता इसमें, सिम इजेक्ट टूल भी नहीं आता। ठीक है, आईफोन 14 प्रो डीप पर्पल 256 GB, ये रहा फ़ोन आपके सामने। ऑन कर, मैंने रास्ते में ऑन कर लिया था, मैं जस्ट आपके सामने एक बार अनबॉक्सिंग करना चाहता था। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए मेरे बिजनेस को, हर तरीके से मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि YouTube पे भी मैं व्लॉग डालता रहूँगा, YouTube पे भी मैं कंटिन्यूसली व्लॉग डालूंगा। जगह जगह मैं जाता रहता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो जहाँ भी मैं जाऊँगा YouTube पे बिल्कुल वीडियो बना के डालूंगा, बिल्कुल ब्लॉग शूट करके डालूंगा और व्लॉगिंग करा करूँगा, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे मेरा बिजनेस है क्लोथिंग का, मेरा काम है सारे, मैं आपको सबको लोगों को कपड़े पहनाता हूँ। तो आपको कुछ और भी क्वेरी हो कि कपड़ों के अलावा और किसी टॉपिक पे वीडियो, मेरा काम तो पर्सनली कपड़ों का ही है, बट आपको शूज़ वगैरह या एक्सेसरीज वगैरह किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए किसी और की शॉप पर जाके मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आप सब लोगों को बेनिफिट मिले। और थैंक यू वेरी मच, ये सब लोग, ये जो आया है ये सब मेरे इंस्टा फैमिली की वजह से और यूट्यूब फैमिली की वजह से ही आया है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दोबारा बोलना चाहता हूँ। और किसी को नहीं मिल रहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को मिल गया है, बहुत शॉर्टेज चल रही है, चाइना में लॉकडाउन लग रहा है इस वजह से। तो थैंक यू वेरी मच, आगे और कुछ भी लूँगा या और कुछ भी कहीं जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, तो आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।